The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Kidney disease, chronic. देखिए कोई भी किडनी डिजीज में एनीमिया नहीं होता. ऑलवेज क्रोनिक किडनी डिजीज, जिन लोगों को लंबे समय से किडनी डिजीज है उनको एनीमिया, खून की कमी होने के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत बहुत होते ही है. ये क्यों होता है? अब देखिए एनीमिया आप जानते ही है, बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, नॉर्मल सेल्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और एनीमिया में आपके टिश्यूज़ को, आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ही कम मिलेगा, राइट? और किडनी डिजीज़ में क्या होता है, जो जिन लोगों की किडनी डिजीज़ है उनको किडनी फंक्शन, उनका किडनी सही से काम नहीं कर रही है, या तो परमानेंटली काम नहीं कर रही है या तो पार्शियली काम नहीं कर रही है, वेरी सिंपल, राइट? और उस केस में अर्ली स्टेजेस से ही CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज के अर्ली स्टेजेस से ही आपको एनीमिया होना डेवलप हो जाता है जब सब किसी को पता चलता है कि उसको किडनी डिजीज है, क्योंकि किडनी के अंदर ही आपके इरिथ्रोपोएटिन, जो वो आपका हार्मोन होता है जिससे आपके ब्लड के सेल्स बनने स्टिमुलेट होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं. अब किडनी अगर फेल होगी, किडनी का फंक्शन कम होगा तो वो सिक्रीशन हो जाएगा कम. सो इसके चलते आपको किडनी फेलियर हो, आपकी किडनी डिजीज़ कम हो, किडनी फेलियर बढ़े, किडनी की फंक्शन कम हो, टेम्प्ररी हो, परमानेंट हो, उसके बेसिस पे इवन अगर आप डायलिसिस रेगुलरली कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, व्हाटएवर इट इज़, आपकी उस चेस में आपको एनीमिया हो जाएगा बिकॉज इरिथ्रोपोएटिन कम होगा. तो आपके बोन मैरो में, जहाँ पे खून के सेल्स बनते हैं, हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो में खून के सेल्स और बनने स्लो हो जाएंगे. जब बनने स्लो हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एनीमिया होता जाएगा, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड लाइफ है. जो ब्लड के सेल्स हैं उनकी लिमिटेड, जैसे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज है, तो 120 डेज के बाद उन्होंने मर जाना है, उन्होंने अपना काम खत्म कर देना है. लेकिन अगर उसकी बनने की स्पीड कम हो गई तो ऑब्वियसली स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमी आ जाएगी. इसीलिए उन लोगों को किडनी में, किडनी वाले पेशेंट्स को इरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस लगते हैं, राइट? एज यूजुअल रिमेंबर, प्लस कई बार उनको डेफिशिएंसी भी बहुत एसोसिएटेड पाई जाती है, आयरन, विटामिन डी, फॉलिक एसिड एसोसिएटेड विद दैट, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. ये दोनों साथ में दिख जाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दिख जाती है और इसीलिए उनको फिर सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं. और किसी को डायबिटिक अल्सर हो, क्यों डायबिटीज़ ज़्यादातर उसमें होता है, इम्यून सिस्टम वीक होती है, तो बहुत सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आते हैं जो किडनी डिजीज़ के साथ आते हैं. रिमेंबर दैट इरिथ्रोपोएटिन इज़ द नॉर्मल विच रिड्यूस हो जाता है तो सिंपल सी चीज़ है, एनीमिया आ जाता है, राइट? सो ये हुआ मेन रीज़न किडनी पेशेंट्स के अंदर एनीमिया होने का. और अगर आप उसको नहीं ठीक करेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम आ सकते हैं, वीकनेस और बाकी सारे एनीमिया के सिम्टम जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो आ सकते हैं, राइट? सो रिमेंबर, किडनी डिजीज हो रही है तो एनीमिया साथ में होगा, ओके?